हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल होमवर्क आर्ट क्रिएटिविटी पर। आज हम करने वाले हैं रमज़ान पर एक हिंदी में निबंध, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमज़ान इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध और पवित्र त्यौहार है। यह महीना हर मुसलमान के लिए बहुत ही खास होता है। यह एक इस्लामिक महीना होता है। इसमें कुल मिलाकर 29 या 30 दिन होते हैं, जिन्हें 10 दिन के अंतर पर 3 अशरों में बांटा गया है। रमज़ान का पहला अशरा यानी के पहले 10 दिन रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा बख्शिश का होता है। इस महीने में मुसलमान लोग सुबह अजान से पहले खा पी लेते हैं, जिसे सहरी कहा जाता है, और फिर रोज़ा रखते हैं तथा इबादत करते हैं। शाम की अजान सुनकर रोज़ा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। रोज़े में मुस्लिम लोग ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं, वे शाम की इफ्तार के बाद ही खाना खाते हैं। इसी तरह इस पूरे महीने में रोज़ा रखते तथा इबादत करते हैं। रात को एक निश्चित समय पर तरावी की नमाज अदा की जाती है। यह महीना मुसलमानों को गुनाह, जुल्म तथा गलत आदतों से दूर रहने की हिदायत देता है। रमज़ान के पूरे हो जाने के बाद चांद को देखकर सभी मुस्लिम ईद मनाते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार नौवां महीना होता है। तो ये था निबंध रमज़ान पर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।